ऐसा कभी नहीं होगा। मैं इस घर में किसी से भी हार नहीं मानी। चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं हारूंगी या जीतूंगी ये जानने के लिए देखिए सुबह की फिजा। जो आप कर रही थी वही मैं कर रही थी। तुम जो है ना अपने काम से काम रखा करो। जी अपने काम से सफाई तो कर रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही थी यहाँ पे। तुम ये सफाई कर रही थी? हाँ। कितनी आप मुझसे नाराज हो रही हैं? आज आप मुझे विश भी नहीं करी, मेरी बर्थडे है आज। अच्छा खैर हैप्पी बर्थडे। मामा कहाँ नजर नहीं आ रही? वो ना पार्टी पे गई है, जहाँ पे सोसाइटी की औरतें रात को इकट्ठी होती है वहाँ गई है वो। तुमसे जितना पूछा जाए ना उतना ही जवाब दिया करो, ज्यादा बातों में घुसने की जरूरत नहीं है। एक मैं ही तो हूँ इस घर में जिसके मुंह खुलते ही यहाँ पे फूल खिल जाते हैं, खुशी और बिखर जाती है, सब खुश हो जाते हैं, वरना तो सभी के मुंह पे 12 बज रहते हैं। कौन क्या कर रहा है ये तुम्हारा काम नहीं है, जो तुम्हारा काम है वही करो। करने लगी। हेलो हमाल, कैसे हो? अब तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाती क्यों नहीं हो? हाय अल्लाह, उसे में बहुत बुरी लग रही हैं आप। अच्छा हाँ चलो जाओ। अच्छा जा रही। हाँ हाँ मात बोलो। कुछ नहीं, वो स्टूपिड मेड हर काम में घुसती है। हाँ हाँ तुम्हारा काम भी कर दिया है और क्या। अरे थैंक यू क्यों कह रहे हो, तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हाँ स्वीट लव यू टू। कैसे किया? किया भी नहीं बता सकती। मैं ऐसा करती हूँ, मैं रूम में जाती हूँ फिर तुम्हें कॉल करती हूँ। ओके बाय बाय। लोग भी ना जरा सी बात का तमाशा बना लेते हैं। बहुत वक्त होता है लोगों के पास दूसरों के घरों में उनकी जाती मामलात में इंटरफेयर करने का। अपने घरों में तो कितने ही मसले क्यों ना हो, मगर फिर भी दूसरों की प्रॉब्लम्स को किस तरह डिस्कस करते हैं, हद है। क्या हुआ मां जी, आज आप बहुत गुस्से में? वैसे तो आप हर वक्त ही गुस्से में होती हैं, लेकिन आज आपका दिल कुछ बुझा बुझा सा है। होना क्या है, किटी पार्टी से वापस आई हूं, हर कोई तारिक की कोर्ट मैरिज को डिस्कस कर रहा था, मेरी तो नाक कटवा दी इस लड़के ने। अभी तो बाहर वाले बातें कर रहे हैं, आगे आगे देखें होता है क्या। अब तो घर में भी बातें शुरू होंगी, सब एक दूसरे के साथ यही बातें करेंगे। अच्छा हुआ, यही होना चाहिए। मैं कौन सा उसको घर से उठाकर लाई हूं, वो तो भगौड़ी है।
आप ही भाग कर आ गई थी और आते ही इस घर की मालिकन बन गई। अरे इतनी जल्दी एतराफ कर दिया आपने कि वो इस घर की मालकन बन चुकी है, मान ली हार आपने। बहू जुबान संभाल कर बात करो, हलक से लंबी जुबान और कद से ऊंची आवाज हमें बिल्कुल पसंद नहीं। आज तक मत भूलो कि तुम अपनी सास से मुखातिब हो। वैसे एक बात बताऊं, अभी पता चला है मुझे कि आपके साथ मुखातिब कैसे होना चाहिए। आज तक मैंने आपके साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, इतनी खिदमत की मैंने आपकी और उसका सिला आपने मुझे ये दिया कि वो कंगन उठाकर आज इस दो दिन की बहू फिजा को पहना दिए। मुझे भूल गई आप? वो कंगन मैंने उसको नहीं पहनाए बल्कि उसने छीने हैं मुझसे। मुझे भी यही करना चाहिए था, अपना हक छीनना चाहिए था आपसे जैसे उसने छीना है, और अब मैं यही करूंगी। आपका भी तो घमंड टूटे, आपको भी तो पता चले कि ज्यादती क्या होती है। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया। अच्छा वैसे माजरत के साथ, दिमाग आपका सठिया गया और बातें आप मुझे बना रही हैं। चली मुझे समझाने, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, जैसे को तैसा।